हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से चर्चा करेंगे बीएड एडमिशन के बारे में। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, बीएड का एडमिशन 2024-26 अभी स्टार्ट है। बहुत सारे साथी जो बिहार के थे वो अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो सेंट्रल काउंसलिंग थी, सेंट्रलाइज जो काउंसलिंग थी उसका इंतजार कर रहे थे। बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है और उन बच्चों को बताना चाहूंगा आपकी जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग थी उसकी लास्ट डेट 30/9/2024 थी। यदि आप लोगों का अभी भी एडमिशन नहीं हुआ है, देखो सब बच्चा इंतजार करता है कि बिल्कुल अंतिम चरण तक हमारा एडमिशन हमारे राज्य में हो जाए, चाहे वो बिहार का बच्चा हो, राजस्थान का बच्चा हो, झारखंड का बच्चा हो, दिल्ली का बच्चा हो। सब बच्चे चाहते हैं कि कम से कम हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिले, होम डिस्ट्रिक्ट ना मिले तो हमें अपना स्टेट ही रहे, ताकि कहीं भी हम इधर उधर जाके स्टडी करेंगे, रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, जो खर्चा आएगा उसको वहन करेंगे, बट हमें एडमिशन चाहिए तो हमारे खुद के स्टेट के अंदर चाहिए। बट साथी, अब बिहार के अंदर मोस्टली जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हो चुका है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, उसके बच्चों का अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है और जिन बच्चों का एडमिशन होना था DT1 के उन बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। उसके बाद भी यदि कोई छात्र बीएड में एडमिशन लेना चाहता है और उस छात्र को चाहिए कि भाई सेशन 2024-26 के अंदर ही मेरे को दाखिला लेना है, तो उन बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा के अंदर डायरेक्ट एडमिशन होता है, किसी प्रकार का कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, बिना किसी परीक्षा के किसी प्रकार की कोई आपकी परीक्षा नहीं होती है, केवल और केवल आप लोगों के पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए। UG/PG यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी एक कक्षा में 50% अंक आपके पास हैं तो आप हरियाणा में बीएड एडमिशन्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। बट साथ ही आपको बताना चाहूंगा, देखो अब हर स्टेट के अंदर ही बीएड का एडमिशन्स का अंतिम दौर चल रहा है, हरियाणा में भी अब अंतिम काउंसलिंग चल रही है, इसके बाद अब एडमिशन्स को क्लोज किया जाएगा। तो जो भी बच्चा किसी भी कारण से एडमिशन अभी तक नहीं ले पाया था, एडमिशन लेने का इच्छुक था, तो वो बच्चा जरूर से जरूर कॉन्टेक्ट कर सकता है। मोबाइल नंबर आप लोगों के लिए डिस्प्ले है 9467179859, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, साल बचा सकते हो, सेशन 2024-26 में आप दाखिला ले सकते हो। बिहार में जहां आपकी 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में फीस लगती है, हरियाणा में इतनी फीस आपकी नहीं लगेगी, बहुत ही कम फीस में आपका दाखिला यहाँ होने वाला है। हरियाणा के अंदर यदि जिन बच्चों ने पहले दाखिला ले लिया वो एक अलग मैटर है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा जो बच्चा नया दाखिला लेना चाहेगा, अब उन बच्चों को जो ऑफिशियल फीस होती है, जो हरियाणा बीएड की जो ऑफिशियल फीस होती है, वो फीस अब इन बच्चों को पे करनी पड़ेगी। तो हरियाणा के अंदर जो बीएड का जो फीस है, आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, देखो स्टार्टिंग में कॉलेज के द्वारा कोई भी एक डिस्काउंट दिया जाता है अपनी सीटें फुल करने के लिए, वो एक अलग मैटर होता है, बट जब अंतिम टाइम आता है, जब लास्ट काउंसलिंग आती है उस दौरान कॉलेज की जो भी ऑफिशियल फीस जो होती है वही कॉलेज बच्चों से वहन करता है। ऑफिशियल फीस हरियाणा में 95,000 से लेके 1 लाख यानी कि 100K तक आपकी फीस हो सकती है, 95K से लेके 95,000 से लेके 1 लाख के बीच बीच में ऑफिशियल फीस है। किसी यूनिवर्सिटी की 97 है, किसी की 98 है, किसी की 1 लाख रुपए भी है, किसी की 1 लाख से 1,000-2,000 रुपए बढ़ के भी है। रजिस्ट्रेशन फीस है 2,000 से लेके 3,000 तक भी हो सकता है। पिछली बार कुछ यूनिवर्सिटियों ने 5,000 रुपए फाइन के साथ भी बच्चों के दाखिले किए थे, तो अब आपको देरी नहीं करनी है। हरियाणा के अंदर अंतिम छोर का एडमिशन चल रहा है, एडमिशन लेने का इच्छुक छात्र इस कॉन्टेक्ट नंबर पे 94-671-79859 इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर ले, तुरंत प्रभाव से अपनी सीट बुक करा ले। अब देरी करी तो ऐसा नहीं है कि बिहार के बच्चों की हमारे पास अक्सर कॉल आती रहती हैं, नवंबर दिसंबर तक भी कॉल करते रहेंगे, फिर उनकी डिमांड क्या होती, सर 23-25 दे दो, सर 24-26 दे दो। अरे मेरे भाई, जब एडमिशन चल रहा है उस दौरान तो आप सो रहे हो, और जब एडमिशन क्लोजिंग हो जाएगा उस दौरान आप कहोगे सर हमारा एडमिशन करा दो, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। केवल और केवल ये एडमिशन जो होते हैं वो एक सीमित टाइम के अंदर होते हैं, बैक डेट में किसी प्रकार का किसी बच्चे का कोई दाखिला यहाँ नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज होने के बाद में किसी बच्चे का कोई एडमिशन नहीं होता है, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो शेड्यूल डाला जाता है उसी शेड्यूल के अनुसार बच्चों का एडमिशन होता है। आप लोगों को जो कॉलेज मिलेगा वो NCT से मान्यता प्राप्त कॉलेज मिलेगा, नेशनल
काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त, साथ में आप लोगों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और वो जो प्राइवेट कॉलेज है वो NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त रहेगा। इस संस्था से यदि किसी भी कॉलेज को मान्यता मिल रही है, वहां से यदि बच्चे ने बीएड किया, भारत देश में कहीं भी कभी भी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करो, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके साथ नहीं आएगी। फिलहाल की आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी, जल्दी कोई नया टॉपिक होगा, नई वीडियो आएगी, आप लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद साथियों।